हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन के लेटेस्ट अपडेट पे कि क्या डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेंट्रल पीसीआई द्वारा कि कब से ये प्रभावी रूप से लागू होगा, वो कब आएगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया था। पिछले नोटिफिकेशन में सेंट्रल पीसीआई ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जवाब मांगा था कि आप अपना इस पर राय दीजिए। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल पीसीआई की तरफ से डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर नहीं मिला है। एक नई अपडेट आ रही है कि बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा वालों के लिए भी एग्जिट एग्जामिनेशन लाया जाएगा। ऐसा एक पेपर की कटिंग अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा वायरल हो रही है। तो अभी इस तरीके से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि बैचलर इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन फर्दर फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। अभी इस पे कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन की जहां तक बात है तो डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 2023 में देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी के बाद आपको पीसीआई की वेबसाइट पे, सेंट्रल पीसीआई की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन कब होगा, कौन सी बॉडी कंडक्ट कराएगी। पेपर का पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही पता चल चुका है कैसे पैटर्न होने वाला है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। केवल कौन सी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, कौन से मंथ में कराएगी, ये आपको नेक्स्ट मंथ में 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 15 जनवरी से पहले पहले ही आपको इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल पीसीआई द्वारा उसके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो 2022 में डी फार्मा पास किए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी स्टेट में, ठीक है। अब बात कर लें कि जो आप लोगों को एक सबसे बड़ी क्वेरीज आ रही थी कि जो बैचलर इन फार्मेसी है बी फार्मा, उसके लिए क्या एग्जिट एग्जामिनेशन का कोई मसौदा बनाया गया है। तो इस तरीके से कोई एग्जिट एग्जामिनेशन का अभी मसौदा नहीं बनाया गया है बैचलर इन फार्मेसी के लिए, क्योंकि बैचलर इन फार्मेसी एक 4 ईयर बैचलर कोर्स है और उसमें रेगुलर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको डिग्री दी जाती है, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। ये देखो हम आपको दिखा रहे हैं पेपर की कटिंग, आप देख लीजिए जो कि आजकल वायरल हो रही है कि पीसीआई प्रपोज एग्जिट एग्जाम फॉर बी फार्म डिग्री होल्डर्स। डिग्री होल्डर्स के लिए भी पीसीआई प्रपोज कर रही है, ऐसा इस पेपर की कटिंग में दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये अभी ऑथेंटिक नहीं है, क्लियरिफाइड नहीं है कि ऐसा कुछ आने वाला है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीसीआई की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलता। तो आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।